गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 9. द चैप्टर नेम इज लैंड. रीड. मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी. मगन भाई हैं जो कि डिनर करने के बाद, यानी कि रात का खाना खाने के बाद बैठ गए थे टीवी देखने के लिए, बैठ करके टीवी देख रहे थे. द बेबी जिल केम रनिंग टू हिम. बेबी जिल, छोटी सी बच्ची जिसका नाम जिल है, वो दौड़ती हुई उनके पास आई. शी सेड, ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी. उसने कहा कि ग्रैंडफादर, दादाजी, आप मुझे एक स्टोरी सुनाइए. विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन. दादाजी ने क्या पूछा, मगन भाई ने पूछा कि कौन सी स्टोरी तुम सुनना चाहती हो. ग्रैंडफादर आस्ट, ग्रैंडफादर ने कहा कि कौन सी स्टोरी तुम सुनना चाहती हो. द वन विच आई एंजॉय द मोस्ट, जिल सेड. जिल ने कहा कि एक ऐसी स्टोरी जो मैं बहुत इंजॉय कर सकूं. ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगन द स्टोरी. ग्रैंडफादर ने ओके कहा और स्टोरी स्टार्ट की. स्टोरी. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था. अ पॉटर नेम्ड मगन भाई स्टेड हियर. एक पॉटर था, यानी कि बर्तन बनाने वाला था, जिसका नाम था मगन भाई, यहाँ पर रहता था वो. एवरी डे ही ब्रिंग्स सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर्स पॉट बाउल्स एक्सेट्रा. प्रत्येक दिन वो मिट्टी लेकर के आता था. कहाँ से मिट्टी लेकर आता था, लेक से लेकर के आता था, और उनसे क्या बनाता था, पॉट और बाउल बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाया करता था. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट, एक दिन उसने छोटा सा पॉट बनाया, छोटा सा बर्तन बनाया. ही पेंटेड इट कलरफुल, और इसने क्या किया कि इसको कलरफुल पेंट कर दिया, रंग बिरंगा पेंट कर दिया इसको. द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल नाउ, और अभी क्या था कि ये पॉट बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था. ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल, और उसने इस पॉट को सेल के लिए अपनी दुकान में रख दिया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. रमेश भाई नाम का एक आदमी वहाँ से, उनके दुकान के पास से पास हो रहा था, जा रहा था. ही सॉ द पॉट एंड इमिडिएटली परचेस्ड इट. उसने पॉट को देखा और फौरन ही उसको खरीद लिया. इमिडिएटली यानी कि तुरंत, यानी कि फौरन उसको खरीद लिया. हिज डॉटर बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट इन रमेश भाई हैंड. जो उसकी डॉटर थी, रमेश भाई की जो डॉटर थी, वो बहुत ही खुश हुई इस छोटे से पॉट को देख करके, बहुत ज़्यादा खुश हो गई. शी सेड, उसने कहा, पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट. उसने कहा कि पापा मैं इस छोटे से पॉट में पानी भरूंगी. ओके सेड रमेश भाई, ठीक है, रमेश भाई ने कहा ओके ठीक है. नाउ एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट. और प्रत्येक दिन बिंदिया क्या करती थी कि इस छोटे से पॉट को यूज़ करके पानी भरती थी. वन डे द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, और एक दिन क्या हुआ कि ये पॉट उसके हाथ से स्लिप हो गया. इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इंटू पीसेस. वो नीचे गिर गया और पीसेस में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए. हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस. हार्ट ब्रोकन यानी कि बिंदिया का जो दिल था टूट गया, उसको बहुत प्यारा था ये पॉट, तो ब्रोकन हार्ट से उसने, बिंदिया ने इन सारे पीसेस को कलेक्ट किया और उसको क्या किया, घर के पीछे, बिहाइंड यानी कि पीछे रख दिया.
यहाँ पर स्टोरी खत्म हो गई। अब ग्रैंडफादर बोल रहे हैं, द ग्रैंडफादर आस्क्ड, ग्रैंडफादर ने कहा नाउ टेल मी डियर, क्योंकि वो स्टोरी सुना रहे थे ना, अब उन्होंने जिल से पूछा जो स्टोरी सुन रही थी गुड़िया, उससे बोला नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैव हैपन टू दोज पीसेस, इस इन पीसेस का क्या होगा, या तुम क्या करती इन पीसेस का, क्या होगा अब इन पीसेस का। सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज्ड देम फॉर प्लेइंग गेम्स, रिप्लाइड जिल। जिल ने कहा कि मेरी तरीके से बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो इससे गेम खेलना पसंद करेंगी, उनको इससे गेम खेलना पसंद है। यू आर करेक्ट, महेश भाई, मगन भाई ने कहा कि तुम ठीक हो। दिस पीसेस आर मिक्स्ड अगेन विद द सॉइल, ये पीसेस दोबारा से मिट्टी में मिल जाएंगे। हियरिंग दिस कन्फ्यूज जिल आस्क्ड, ये सुनकर के कि ये पीसेस मिट्टी में वापस मिल सकते हैं, जिल जो थी वो कन्फ्यूज हो गई और पूछा वॉट अदर थिंग्स गेट मिक्सड इन द सॉइल, वॉट अदर थिंग्स गेट मिक्सड इन द सॉइल, कौन सी चीज़ें और मिट्टी में मिल सकती हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, वॉट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए। एक हम यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। स्पेड यानी कि कुदाल, सीव फॉर सीविंग, सीविंग वीट, और एक छन्नी चाहिए जिससे हम गेहूं छानते हैं, और सीव फॉर सीविंग वीट फ्लोर, और एक ऐसी छन्नी चाहिए जिससे हम वीट फ्लोर यानी कि गेहूं के आटे को छानते हैं। थिन कॉटन क्लॉथ, पतला सूती कपड़ा चाहिए। लम्स ऑफ सॉइल, और कुछ मिट्टी के ढेले या मिट्टी के गांठे चाहिए। तो इससे हम ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है। टेक वन लम्प ऑफ सॉइल, एक मिट्टी के ढेले को लेना है। टर्न इट इंटू स्मॉल पार्टिकल साइज, और इसको छोटे हाथ से तोड़ करके इसको छोटे टुकड़े कर लेंगे। सीव इन थ्रू द वीट सीविंग सीव, और इसको हम क्या करेंगे, जो हमने छन्नियाँ ली है ना, एक गेहूँ छानने के लिए छन्नी ली है, और एक आटा छानने वाली छन्नी ली है, और एक पतला कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस छन्नी से गेहूँ छानते हैं उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, तो उससे छानेंगे। वॉट इज लेफ्ट इन द सीव, छन्नी में क्या बचा रह गया। ऑब्जर्व इट एंड नोट, इसको ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखो और नोट करो इसको। सीव्ड सॉइल थ्रू वीट सीविंग सीव, यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं कि जिससे हमने गेहूँ छानने की छन्नी से जो हमने मिट्टी को छाना है वो हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली, और हमको क्या करना है कि जो बचे हुए पार्टिकल रह गए हैं, कंपोनेंट रह गए, जो वस्तुएं बची हुई रह गई हैं छन्नी के अंदर, उसको अलग रखना है। वॉट इज लेफ्ट इन द सीव, छन्नी में क्या बचा रह गया, और वॉट इज सीव्ड आउट ऑफ सीव, और छन्नी से क्या बाहर निकला, जब छन्नी छाना तो छन्नी में क्या बचा रह गया इधर लिखना है, और छन्नी से बाहर क्या आया इधर लिखना है। छन्नी में क्या बचा रह गया, स्मॉल स्टोन्स आर लेफ्ट इन द सॉइल, मिट्टी में छोटे छोटे स्टोन्स रह गए। फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स आर सीव्ड आउट ऑफ द सीव्स, और छन्नी से फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और पेबल्स जो थे वो सब बाहर आ गए। एक्टिविटी, यहाँ पर एक हम पिक्चर देख सकते हैं, क्या है ये, सीव्ड पार्टिकल्स थ्रू वीट सीविंग सीव्स, ये पिक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे। कलेक्ट द सीव्ड पार्ट्स एंड सीव इट विद द सीव यूज्ड फॉर सीविंग फ्लोर,
अभी क्या करना है, कलेक्ट द सेव्ड पार्ट, जो छान करके हमने निकाला था ना, जो छन्नी से छन करके बाहर जो पार्ट आ गया हुआ था, उसको हमको क्या करना है कि जो आटा छानने की हमने छन्नी ली है उसमें अब डाल लेना है और उससे हमको छानना है। वॉट इज़ लेफ्ट इन द सिव, ऑब्जर्व, अब क्या बचता है छानने के बाद, जब हमने छान लिया आटे वाली छलनी से छान लिया, अब क्या बचता है उसको आप ध्यान से देखो। कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सिव सेपरेटली, और जो कंपोनेंट छन्नी में बचे रह गए उनको अलग रख लो। वॉट इज लेफ्ट इन द सिव, सिव में छन्नी में क्या बचा, वॉट इज सिव्ड आउट ऑफ सिव, और क्या छन्नी से छन करके बाहर आ गया। पेबल्स एंड सैंड आर लेफ्ट इन द सिव, क्या बचा छन्नी के अंदर, पेबल्स और सैंड छन्नी में रह गए। फाइन पाउडर ऑफ सॉइल इज सिव्ड आउट ऑफ द सिव, और छन्नी से बाहर क्या आया, फाइन पाउडर और सॉइल आ गया। एक्टिविटी नंबर 3, कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन पीस, जो सेकेंड टाइम में छन्नी से छनकर बाहर आया हुआ था, अभी हम उसको कॉटन के कपड़े में रखेंगे और उसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और उससे हम हाथ लगा करके छानेंगे। वॉट इज लेफ्ट ऑन द क्लॉथ, कपड़े में क्या बचा रह गया। ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर्ड कंपोनेंट्स एंड नोट, और इसके अलावा आप देखो कि छन करके बाहर क्या आया, नोटिस करो इसको। सेपरेट द कंपोनेंट्स लेफ्ट इन द कॉटन सॉरी लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लॉथ, अभी क्या करना है आपको, अलग रख लेना है इसको जो कपड़े में बचा रह गया और जो कपड़े से छन करके बाहर आ गया। वॉट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ, कपड़े में क्या बचा रह गया। वॉट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द क्लॉथ, और कपड़े से बाहर छन करके क्या आया वो हमें लिखना है। सिल्ट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ, क्लॉथ में सिल्ट बचा रह गया। फाइन पाउडर ऑफ सॉइल इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द क्लॉथ, और फाइन पाउडर मिट्टी के फाइन पाउडर छन करके कपड़े से बाहर आ गया। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द फिल्टर्ड एंड लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइम, अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि जो आपने फर्स्ट टाइम में छाना उसको ध्यान से देखना है, और सेकेंड टाइम में जो आपने छाना उसको देखना है, और थर्ड टाइम में जो छाना, तो सब में डिफरेंस है, क्योंकि पहली बार हमने मोटी छन्नी से छानी जिससे हम गेहूँ छानते हैं, और इसके बाद हमने फ्लोर आटा छानने वाली छन्नी से छाना, और इसके बाद महीन कपड़े से, तो इन सब में आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो आपको देखना है, बताना है। थिंक एंड से, हियर इज सम क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेंड आफ्टर सीविंग द सॉइल विद डिफरेंट सीव साइज, आंसर इज कंपोनेंट्स सच एज स्टोन सैंड सिल्ट एंड डस्ट आर ऑब्टेंड आफ्टर सीविंग द सॉइल विच डिफरेंट सीव साइज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, येस देयर आर अदर कंपोनेंट्स लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वाटर मिनरल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल, आंसर इज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द सॉइल इन डिफरेंट वेज, द मोर स्मॉल पार्टिकल्स इन सॉइल द मोर वाटर द सॉइल कैन रिटेन, दस क्ले सॉइल हैविंग द ग्रेटेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सैंड द लीस्ट। एडिशनली ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज मैटर्स हाई अफिनिटी फॉर वाटर। तो यहाँ पर हमारा
यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।